किडनी को स्वस्थ रखने के लिए हरा धनिया कैसे सहायक है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपके लिए एक ऐसा खास विषय लेकर आए हैं जो आपकी किडनी को स्वस्थ रखने में आपकी मदद करता है। आज हम किडनी को स्वस्थ रखने के लिए हरे धनिया के महत्व के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। अपने विषय पर बात करने से पहले हम उन लोगों को यह कहना चाहते हैं जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के विषय की और बात करते हैं हरे धनिया के फायदों के बारे में। हरा धनिया भारतीय रसोई में एक ऐसी चीज है जो खाने में जायका तो बढ़ाती ही है, साथ ही यह खाने को आकर्षित भी बनाती है। हरा धनिया स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होता है। इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, कैरोटीन, थायमिन, पोटेशियम, विटामिन, प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट और मिनरल्स जैसे कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो कि आपके स्वास्थ्य को बेहतर रखने में मदद करते हैं। अब हम आते हैं अपने विषय पर और बात करते हैं किडनी के बारे में। मनुष्य के सभी अंगों में से एक अंग किडनी है जो सबसे खास है। यह शरीर के अंदर होती है और इसका आकार छोटा होता है। अगर इसके काम की बात करें तो किडनी का काम शरीर में सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर किडनी स्वस्थ ना रहे तो यह पूरे शरीर को अनियंत्रित करने में सक्षम होती है। इसलिए किडनी का ठीक रहना बहुत जरूरी होता है। किडनी का काम शरीर में ब्लड को फिल्टर करने का होता है जो शरीर के अंदर मौजूद गंदगी को छान कर यूरिन के रास्ते शरीर से बाहर करती है ताकि शरीर में गंदगी ना जमे और शरीर के बाकी अंग भी नियमित रूप से चलते रहें। किडनी को प्राकृतिक रूप से सुरक्षित और स्वस्थ रखने के कई सारे उपाय हैं। अगर हम इनमें से एक उपाय को भी अपना लेते हैं तो यह हमारी किडनी के लिए फायदेमंद होता है। आज हम हरे धनिया के कुछ फायदों के बारे में बात करेंगे और इस बारे में जानेंगे कि यह किडनी के लिए कैसा है। अगर हम किडनी के लिए हरे धनिया की बात करें तो इसका सेवन किडनी को डिटॉक्स करने में सहायक होता है। किडनी को स्वस्थ रखने के लिए उसको अंदर से साफ रखने की जरूरत होती है, जिसके लिए कुछ प्राकृतिक उपायों को अपने जीवन में शामिल करना चाहिए जो कि किडनी को अंदर से साफ कर सकें ताकि आप स्वस्थ रहें। जिनको किडनी में स्टोन जैसी समस्या है उनके लिए हरा धनिया बहुत लाभदायक है, क्योंकि स्टोन की समस्या अक्सर ऐसे लोगों में होती है जो पानी का सेवन कम मात्रा में करते हैं और कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, कैरोटीन, पोटेशियम, विटामिन, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ों का सेवन अधिक करते हैं। इससे शरीर में क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ जाती है जो कि स्टोन का कारण भी बनती है। हरा धनिया शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है। जिन्हें किडनी में स्टोन की समस्या है उन्हें रोजाना खाली पेट हरे धनिया का पानी पीना चाहिए। एक गिलास पानी में हरा धनिया डालकर उसको उबाल लें और उसके बाद उसको हल्का गुनगुना होने पर पिएं। अधिक गर्म पानी नहीं पीना चाहिए, यह आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। रोजाना एक गिलास पानी में 2 चम्मच बारीक कटा हरा धनिया और 1 चम्मच मिश्री डालकर उबालें और उसको ठंडा करके पिएं। इससे सर दर्द जैसी समस्या से राहत मिलेगी। जो लोग अपने वजन को कम करना चाहते हैं उनके लिए हरा धनिया बहुत लाभदायक है। उन्हें रोजाना सुबह खाली पेट इसका सेवन करना चाहिए। किडनी में खराबी की वजह से अक्सर त्वचा में कुछ समस्या हो जाती हैं। अगर आप रोजाना हरे धनिया का पानी पिएं तो आपको त्वचा संबंधी कोई भी परेशानी नहीं होगी। जिन लोगों को पैरों में दर्द, गठिया रोग जैसी समस्या होती है उनके लिए हरा धनिया एक आयुर्वेदिक उपचार से कम नहीं है। धनिया में विटामिन ए और विटामिन के होता है जो हड्डियों को मजबूत बनाने के साथ साथ दर्द जैसी समस्या को भी दूर करता है। हरा धनिया शरीर में ब्लड की कमी को पूरा करता है। हरे धनिया में सही मात्रा में पाया जाने वाला आयरन ब्लड की कमी को रोकने में मदद करता है। इसके साथ ही हरे धनिया का नियमित सेवन हाथों पैरों में जलन, एसिडिटी, आंखों में जलन, यूरिन में जलन जैसी समस्या को दूर करने में एक प्राकृतिक उपचार की तरह सहायता करता है। परंतु इस बात का विशेष ध्यान दें जिन्हें किडनी में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है उन्हें हरे धनिया का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि यह उनके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। अब हम आपसे हरे धनिया के और फायदों के बारे में बात करते हैं। जिन लोगों को पेट की समस्या है उनके लिए हरा धनिया काफ़ी फायदेमंद होता है। जिन लोगों को पेट में दर्द, कॉन्स्टिपेशन की समस्या है उन्हें हरा धनिया पीस कर लस्सी में मिलाकर पीना चाहिए। कुछ लोग लस्सी पीना पसंद नहीं करते तो वो धनिया को पीस कर साधारण पानी के साथ भी पी सकते हैं। हरे धनिया में पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कोलेस्ट्रॉल की समस्या को भी दूर करते हैं। हरे धनिया में फाइबर पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत बनाता है। जिन लोगों को डायबिटीज़ की समस्या है उनके लिए हरा धनिया काफ़ी फायदेमंद होता है। हरे धनिया का सेवन शरीर में इंसुलिन की क्षमता को बढ़ाता है।
जो कि शुगर के स्तर को कंट्रोल करने में सहायता करता है। जिन्हें अक्सर सरदर्द की शिकायत बनी रहती है, उनके लिए हरा धनिया एक वरदान से कम नहीं है। तो यह है कुछ हरे धनिये के उपाय, परंतु इस बात का ख्याल रखें कि जिन्हें किडनी में किसी भी प्रकार की समस्या है, उन्हें इसका सेवन पूरी तरह वर्जित है। किडनी के प्राकृतिक उपचार में आप आयुर्वेद को शामिल कर सकते हैं, जिसका उपचार 100% शुद्ध और सफल है। अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं, तो इसके लिए आप कर्मायुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। कर्मायुर्वेदा उपचार केंद्र में आपको किडनी से जुड़ी सभी समस्या का समाधान मिलता है। कर्मायुर्वेदा का उपचार पूरी तरह प्राकृतिक है, जिसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होता। कर्मायुर्वेदा में आपको सफल इलाज के साथ साथ बेहतर आहार की जानकारी भी दी जाती है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अपने विचार और सुझाव भी हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। अगर आप किडनी की किसी भी समस्या से परेशान हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन एरिया में मौजूद है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ और मैं फिर मिलूंगा एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हमारा पता है G20 NDM 1, प्लॉट नंबर B234, अपोजिट NIMS, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर हैं 09871712050, 011-4264-4274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।